में आता है, परिवार में ये देखने में आता है। आज चारों तरफ बिगाड़ है, जो अशांति का वातावरण है वो इसी वजह से है कि हम दूसरों के साथ अच्छा कर नहीं पाते। ये देखने को मिल जाता है घर परिवारों में, गलियों में, गांव में। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का विवाह हो जाए, अच्छा विवाह हो, लेकिन हमें पता चल जाए कि दूसरे के लड़के को देखने वाले आए हैं, मतलब उसका विवाह हो जाएगा और मेरा बेटा रह जाएगा। हम तुरंत जाते हैं और पता करते हैं कि वो लोग कहाँ के हैं, जैसे तैसे, और वहां पहुंचकर चुगली करते हैं और कहते हैं कि कहाँ डाल रहे हो अपनी लड़की को, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी लड़की दुख पाएगी, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो क्यों? क्योंकि हमने धर्म को आचरण में उतारा नहीं है। और जब विवाह होता है लड़कों का, तो लड़के के घर वाले, माता पिता, लड़के की बहनें, भाभी जो भी हैं घर में, सब ये सोचते हैं कि हमारे घर में जो बहू आ रही है वो बड़ी अच्छी आए, सबकी सहन करे, घर के सारे काम करे। और जब अपनी बेटी को वो विदा करते हैं किसी घर की बहू बनाकर, तब क्या सोचते हैं? महिलाएं तो ज्यादातर ऐसी होती हैं, सब तो ऐसी नहीं होती, लेकिन लड़कियों की माँ जो होती है ज्यादातर वो कहती है, देख बेटी, हमने देने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, खूब दिया है तुझे, अब तेरे से कोई ज्यादा कुछ कहे, काम का ज्यादा जोर डाले, उल्टा सीधा बोले तो एक के बदले चार कहना, अभी से बता रही हूँ तुझे, किसी की एक सुनने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा कुछ कहे तो सामान पूरा दिया है, सामान लेके न्यारी हो जाना, फिर मैं देख लूंगी। यानी आप चाहते हैं कि हमारे घर में जो बहू आ रही है वो हमारे परिवार को जोड़ करके रखे, लेकिन आपकी बेटी को यदि आपने वो विचार दिए हैं जिसने दूसरे परिवार को जाकर के बिखेर दिया, नरक बना दिया, तो इसका मतलब यह है ये हमसे अधर्म हो गया है। इसीलिए कहा ये भी धर्म है, क्योंकि प्राचीन काल में हमारे यहाँ जो माताएं होती थीं, जब वो बेटियों को विदा करती थीं, परिवार के सभी लोग बेटी को विदा करते हुए उपदेश दिया करते थे। आपने विवाह संस्कार में एक क्रिया आती है लाजा होम की। आजकल लोग विवाह संस्कार वैसे जल्दबाजी में करा देते हैं, जिनका विवाह हो रहा है वो भी जल्दबाजी में होते हैं, उनके रिश्तेदार भी जल्दी की कहते हैं, और पंडित जी उनसे भी ज्यादा जल्दी में होते हैं, इसीलिए वो बहुत छोटा उल्टा सीधा करके जो है ज्यादातर ऐसा होता है। लेकिन हमारे यहाँ विधान है कि विवाह संस्कार में जो भी क्रिया कराई जाती है वो क्रिया कोई न कोई अपना अर्थ लिए हुए होती है, कोई न कोई वहां पर उपदेश छिपा हुआ होता है वर के लिए, वधू के लिए। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं वहां आती हैं। आपने यदि कोई वो क्रिया देखी हो विवाह संस्कार में, जहां भाई अपने हाथ में खील लेता है चावल और वो बहन के हाथ में डालता है और बहन उसकी आहुति दिया करती है। भाई अपनी बहन के हाथ में खील चावल देता है और बहन उसकी आहुति दिया करती है। वहां पर भाई अपनी बहन को उपदेश करता है, मेरी बहन, तेरा जो जीवन है वो इस खील की तरह है, धान की तरह है। धान जो होता है, आपने देखा होगा, धान की पौध लगाई दूसरी जगह जाती है, लेकिन फल वो दूसरी जगह देती है। भाई कहता है, बहन तूने जन्म तो पिता के कुल में लिया है, पाली पोसी तू पिता के कुल में गई है, लेकिन फल जाकर के तुझे पति के कुल में देना है। बहन तेरे हाथों में दो कुलों की इज्जत है, अगर तेरा व्यवहार अच्छा होगा तो दोनों कुलों की इज्जत बढ़ेगी। भाई कहता है, बहन जिस तरीके से ये जो खील है इनके इर्द गिर्द तू देख रही है जो भूसी लगी हुई है, जब तक ये भूसी चावलों के इर्द गिर्द रहती है तब तक इसकी कीमत होती है, इसे चावलों के भाव में बेचा जाता है, लेकिन जब ये चावलों से अलग हो जाती है तो इसकी कोई कीमत नहीं रहती। भाई कहता है, बहन तू अपने तन से, मन से, अपने पति के इर्द गिर्द रहना,
जब तक तू पति के इर्द गिर्द रहेगी तब तक तेरी कीमत रहेगी। यदि तूने अपने पति के अच्छे विचारों से अपने विचारों को मिलाने का प्रयास नहीं किया तो परिवार में और समाज में तेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। माता भी अपनी, जब रामायण का प्रसंग है, सीता जी जब जा रही थी वन के लिए तो उस समय माता कौशल्या सीता जी को कुछ उपदेश करती हैं, क्योंकि माता सीता उस समय दुखी थी, परेशान थी। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, माता सीता आंखों में आंसू भरकर माता कौशल्या से कहने लगी, सेवा समय देउ वन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। माता श्री, जब आपकी सेवा का समय आया तब मुझे 14 वर्ष वन के लिए जाना पड़ रहा है, मैं आपकी सेवा न कर सकी, मुझे इस बात का बहुत दुख है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत चिंतित हूँ। ऐसा कहकर के उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तो उस समय कौशल्या माँ ने अपने आप को संभाला। उस माँ को बहुत दुख था जिसका बेटा 14 वर्ष वन के लिए जा रहा है, लेकिन फिर भी उस संकट की घड़ी में, उस आपत्ति काल में माता कौशल्या अपने आप को संभाल कर अपनी पुत्र वधु सीता को संभालती हैं और कहती है, बेटी ये क्या देख रही हूं मैं, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, तुम तो छत्राणी हो और छत्राणी की आंखों में इस तरीके से आंसू शोभा नहीं देते। कवि के भावे उस समय सीता को वन भेजते हुए माता कौशल्या कुछ उपदेश दे रही थी, उन्हें धैर्य बधा रही थी और उनके गौरव को उनके सामने रख रही थी। और किस तरीके से कवि ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं और क्या कहती हैं, ओ मेरी रानी, ओ मेरी रानी, आंख में पानी भर लाई मेरी लाल क्यों, नैन लजीले मत कर गीले, कुछ तो होश संभाल तू, ओ मेरी रानी, आंखों में पानी भर लाई मेरी लाल क्यों, नैन लजीले मत कर गीले, कुछ तो होश संभाल तू, ओ मेरी रानी, आंखों में पानी भर लाई मेरी लाल क्यों, नैन लजीले मत कर गीले, कुछ तो होश संभाल तू, ओ मेरी रानी, आंखों में पानी भर लाई मेरी लाल, सामान्य महिला नहीं है। महाराज दशरथ वो तुम्हारे ससुर हैं और महाराजा जनक जिन्हें ये दुनिया विदेह के नाम से जानती है, तुम्हारी माँ भी किसी तपस्विनी से कम नहीं है और उससे भी बढ़कर सौभाग्य मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम श्री राम की अर्धांगिनी है तू। और क्या कहती है, योग निज की मत हो, पिता शासन का ज्ञाता हो, योग निज की माता हो, पिता शास्त्र का ज्ञाता हो, विदेह जनक की राज दुलारी रामचंद्र की ब्याहता हो, विदेह जनक की राज दुलारी रामचंद्र की ब्याहता हो, कर्म तेरे सुख दाता हो, ऐसे शब्द निकाल तू, नैल जीले मत कर गीले, कुछ तो हो लगी मेरी नाम क्यों।
कि बेटी तुम्हारा जो देवर है लक्ष्मण वो तुम्हें मां कहता है, मां समझता है। आज इस समाज में भाभी और देवर के रिश्ते को इतना बदनाम कर दिया है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन लक्ष्मण को देखे, जब लक्ष्मण से सुग्रीव और उनके अन्य साथी पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, श्री राम ने जब प्रश्न किया, अरे लक्ष्मण ये गहने पहचानो, ये तुम्हारी भाभी सीता के ही है ना, तो लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो विछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। भ्राताश्री, जब मैं प्रतिदिन भाभी के चरण स्पर्श करता था तो उनके विछुओं पर तो दृष्टि पड़ जाती थी, ये तो उन्हीं के हैं, वाकई मैं किसी भी गहने की भाभी के की पहचान नहीं कर सकता। यानी ये गौरव था, भाभी को हमारे पूर्वज अपनी माँ का दर्जा दिया करते थे। क्या कहा? दशरथ जैसे तपधारी ससुर तुम्हारे सुकुमारी, लक्ष्मण जैसा देवर तेरा कहता तुझको मैं है तारी, भरत तपस्वी व्रतधारी के जाने सारे हाल तू, नैन जीले मत कर जीले कुछ तो हो सुसंभाल तो, ओ मेरी लाल आँख में पानी भर लाई मेरी लाल क्यों, नैन जीले मत कर जीले कुछ तो हो सुसंभाल तो, ओ मेरी लाल। समझ लिए ससुराल तू, नैल जीले मत कर जीले कुछ तो हो संभाल तू, ओ मेरी लाल आँख में पानी भर लई मेरी लाल क्यों, नैल जीले मत कर जीले कुछ तो हो संभाल तू, ओ मेरी लाल आँख में पानी भर लई मेरी लाल। ने वन भेजते हुए सीता जी को जब ये उपदेश दिए तो उस समय सीता जी कहती हैं, माता श्री जो उपदेश आप मुझे दे रही हैं वो मेरे कल्याण के लिए हैं, और यही उपदेश मेरी विदाई के समय मेरी माँ ने मुझे दिए थे, मैं इन उपदेशों को अपने आचरण में उतारूंगी, मैं अपने धर्म का पालन करूंगी माँ। इसीलिए कहने का मतलब है, माताओं बहनों जो हम अपने लिए चाहते हैं वो हम दूसरों के साथ करें।